दोस्तों आज हम करेंगे डिटेल कंपैरिजन बिटवीन पाइनियर 1212 D4 एंड पाइनियर 311 D4 में। पाइनियर 1212 D4 लेटेस्ट सबवूफर चल रहा है इस टाइम में। जो पाइनियर का 311, ये मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये पाइनियर का 311 मॉडल है और ये पाइनियर 1212 D4 मॉडल है जो भी लेटेस्ट सबवूफर चल रहा है। तो ये 311 सीरीज है, ये ओल्ड सीरीज सबवूफर है, लोग इसको लेजेंडरी सबवूफर भी बोलते हैं इसकी परफॉर्मेंस एंड पंची बास की वजह से। ये मॉडल आना अब बंद हो चुका है। Welcome to my channel guys, you are watching DIY with Brown Boy. Specification of both 12 inch subwoofer Pioneer 1212 and Pioneer 311 D4 are as below. जो Pioneer 311 है, ये Pioneer 311 है, इसकी continuous power handling 400 watts RMS है, maximum peak power इसकी 1400 watts है, sensitivity इसकी 95 dB है, frequency range इसकी 20 hertz से लेके 125 हर्ट्ज तक है, इम्पीडेंस इसका 4 ओम DVC है ये, और जो कंपनी रिकमेंडेड कर रही है इसका सील बॉक्स वॉल्यूम 35.4 लीटर्स है और पोर्टेड बॉक्स वॉल्यूम इसकी 42.5 लीटर्स है। और जो बात करें पाइनियर 1212 की, तो इसकी कंटिन्यूस पावर हैंडलिंग 500 वाट RMS है जो कि 311 से 100 वाट RMS इसकी ज़्यादा है, मैक्सिमम पीक पावर इसकी 1600 वाट्स है, साउंड प्रेशर लेवल इन कार 92 dB है, फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी 20 हर्ट्ज से लेके 1.6 किलोहर्ट्ज तक की है, इम्पीडेंस इसका 4 ओम DVC है और जो कंपनी ने रिकमेंडेड सील बॉक्स की वॉल्यूम इसका 35.4 लीटर बताया है और पोर्टेड में 56.6 लीटर है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों सबवूफर 12 इंच के हैं जो कि DVC एंड SVC में कंपनी ने लॉन्च किए थे। DVC का मतलब होता है ड्यूल वॉइस कॉयल एंड SVC का मतलब होता है सिंगल वॉइस कॉयल। कुछ लोगों का ये मिथ है कि ड्यूल वॉइस कॉयल सबवूफर बहुत हैवी होते हैं जहां उसकी बास बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो ड्यूल वॉइस कॉयल सबवूफर होता है उसको हम अपनी मर्जी से जितने भी ओम पे चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। D4 सबवूफर को हम 2 एंड 8 ओम पे भी रन कर सकते हैं। ड्यूल वॉइस कॉयल सिर्फ हमें ऑप्शन एंड हेल्प करती है कि एम्पलीफायर के ओम के साथ हम सबवूफर को मैच कर सकते हैं। S4 हमारा सिर्फ 4 ओम पे रन करता है। तो दोस्तों ये तो थी बेसिक सी जानकारी दोनों सबवूफर के रिगार्डिंग। तो हम टेक्निकली बात करते हैं कि क्या मेजर चेंज किए गए हैं। तो हम बात करते हैं पाइनियर 1212 D4 की। दोस्तों ये सेम मॉडल इंडिया में लॉन्च किया गया पाइनियर 1212 D4 के नाम से, बल्कि जी USA में इसको लॉन्च किया गया 312 D4 के नाम से, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, कोई मेजर चीज़ नहीं है दोनों सबवूफर में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकली इन्फॉर्मेशन की। पाइनियर 1212 D4 की कोन की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सीमलेस स्ट्रक्चर कोन एंड हनीकॉम शेप यूज्ड जो कि 39% स्ट्रॉन्गर देन एज कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल्स। कोन के स्ट्रक्चर का डिज़ाइन एंड शेप इसलिए रीडिज़ाइन किया गया ताकि कोन की वजह से किसी भी प्रकार का ट्रांसमिशन लॉस ना हो एंड टू अचीव स्मूथ कोन मोशन फॉर अ मोर पावरफुल साउंड। पाइनियर 311 D4 की कोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें IMPP कॉम्पोजिट कोन का यूज़ किया गया है जिसको इंजेक्शन मोल्डेड पॉलीप्रोपिलीन कॉम्पोजिट कोन कहा जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड एंड लाइट वेट मटेरियल से कोन बनाई गई है ताकि हाई साउंड प्रेशर लेवल पर कोन फेलियर का कोई भी चांस ना रहे। दोस्तों दोनों सबवूफर की सराउंड सेम है,
ये सराउंड ड्यूल लेयर फाइबर रीइन्फोर्स्ड इलास्टिक पॉलीमर सराउंड यूज करी गई है, जो कि हाई पावर हैंडलिंग में बहुत ही सपोर्ट करती है। दोस्तों मैंने इस पायनियर 311 सब ऊपर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाकर भी उसको देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द बास्केट टेक्नोलॉजी, पायनियर 311D4 कम्स विद अ सिंगल पीस बास्केट इन अ स्टैम्प मेटल एंड इन पायनियर 1212 बास्केट हैज बीन टोटली चेंज। ऐसे लुक देने का इनका एक ही रीजन था कि बास्केट की वजह से कोई भी अननेसेसरी वाइब्रेशंस, मैं दोस्तों पायनियर 1212 की बात कर रहा हूँ, कि कोई भी अननेसेसरी वाइब्रेशंस ना आए जो कि सीधा सीधा साउंड क्वालिटी को इफेक्ट करेगी। दोस्तों इसमें जो ये प्लास्टिक कवर यूज़ किया गया है, इसका मेन रीज़न यही था कि बास्केट से वाइब्रेशन जो आएगी वो डिस्टॉर्शन कहीं ना कहीं तक क्रिएट करेगा, वो डिस्टॉर्शन ना आए इसके लिए इन्होंने बास्केट के ऊपर प्लास्टिक कवर यूज़ किया है। मूविंग फॉरवर्ड टू मोटर टेक्नोलॉजी, पायनियर 1212 मैग्नेट वेट एंड साइज हैज बीन इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल्स। पायनियर 1212 में मैग्नेट का वेट 2.5 kg कर दिया गया है, हल्कि 311 में मैग्नेट का वेट 2 kg ही था। मैग्नेट का साइज भी इंक्रीज करा गया है। स्पाइडर यूज्ड इन पायनियर 1212 एंड इन पायनियर 311 बोथ आर सेम नोमैक्स रेड कलर स्पाइडर। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द सबवूफर्स, और यू कैन कॉल हार्ट ऑफ द सबवूफर्स, दैट इज वॉइस कॉइल। इन पायनियर 1212 वॉइस कॉइल की वायर को 15% थिकर किया गया है एज कंपेयर टू 311। थिकर वायर यूज टू फुली ड्राइव द पावर ऑफ मैग्नेट। इन पायनियर 1212 में वॉइस कॉइल की लेंथ इंक्रीज करी गई है एंड वॉइस कॉइल के बॉबिन को रिप्लेस करके एल्युमिनियम का बॉबिन लगाया गया है। एल्युमिनियम बॉबिन वॉइस कॉइल यूज करने से कॉइल हाई टेम्परेचर में जल्दी से बर्न नहीं होगी। पायनियर 311 में एल्युमिनियम बॉबिन वॉइस कॉइल नहीं यूज करी गई है। अच्छी वॉइस कॉइल से सबवूफर की हाई पावर हैंडलिंग ईजी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी दोनों सबवूफर की डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी पार्ट वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही फ्यूचर में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। टिल देन बाय बाय। Give me some pippin', man. Give me some pippin', man.